नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लोकेश बंगालिया आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में खिलजी वंश शुरू किया था और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी गुलाम वंश का अंत करने के बाद। अब खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश बताया था, क्योंकि इसमें कुल 3 ही शासकों ने शासन किया था और इनका शासनकाल भी 30 वर्ष तक ही चलता है। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे के द्वारा कर दी जाती है 1296 में, और उनके भतीजे जो कि अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही कट्टर शासक माने जाते हैं और सबसे योग्य शासक माने जाते हैं इस वंश के। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो दूसरा शासक बनता है दोस्तों, वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक चलता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम दोस्तों अली गुरशप होता है, और अलाउद्दीन खिलजी को ही भारत का दूसरा सिकंदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेरे दोस्तों? क्योंकि ये भी सिकंदर की तरह पूरे विश्व पर राज करना चाहता था, तो इसने एक उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप अली गुरशप था। वह इनको उपाधि सिकंदर ए सानी की प्राप्त थी मेरे दोस्तों। सिकंदर ए सानी का मतलब है कि सिकंदर की तरह, अब सिकंदर की तरह बनना चाहता था, तो इसने अपने शासन में बहुत से परिवर्तन किए थे और बहुत ही नई नई योजनाएं बनाई थी। आज हम उन नई योजनाओं को पढ़ेंगे कि क्या क्या योजनाएं बनाई थी इन्होंने। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने शासन में किए गए कार्य, तो दोस्तों पहला कार्य क्या किया गया था इसने विश्व पर राज करने के लिए, तो अपने शासन में मदिरा पर रोक लगा दी थी। मदिरा जिसे शराब कहते हैं, मदिरा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसको पता था कि अगर युद्ध के समय या लड़ाई के समय मेरे सैनिक मदिरा पीकर खराब हो गए तो युद्ध कैसे जीत पाएगा। तो उसने पहले 21 पर रोक लगा दी थी मेरे दोस्तों, मदिरा के ऊपर रोक लगा दी थी, और मदिरा के बाद जो भोज पर भी रोक लगा दी, जिसे पार्टी कहा जाता है मेरे दोस्तों, पार्टी पर भी क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अब जो अगला कार्य किया गया था इनके द्वारा, सेना के ऊपर किया गया था, और सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। ऐसा करने वाला पहला शासक कौन बताओगे? अलाउद्दीन खिलजी। तो सेना को मेरे दोस्तों नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन। अब नगद वेतन के बाद जो अगला काम किया था अपनी सेना के ऊपर, इसने सैनिकों के हुलिये बनवाए, सैनिकों के हुलिये बनवाए। आज के समय में मेरे दोस्तों हुलिया आइडेंटिटी कार्ड को कहा जाता है, कि उनकी पहचान हो सके कि मेरी सेना का में कौन काम करता है। अब हुलिये बनवा दिए, तो इसने अपनी सेना में पहले नगद वेतन देना शुरू कर दिया, सैनिकों के हुलिये बनवाए, और स्थाई सेना को रखा, स्थाई सेना। स्थाई सेना का मतलब था कि
युद्ध करने से पहले सेना बना ली जाती थी ताकि उसमें कोई सैनिक किसी भी प्रकार की सैनिक को कोई दिक्कत न हो और अच्छे से युद्ध लड़ा जाए। अब युद्ध के समय उनको पता रहे कि हमारा सैनिक कौन सा है। अब स्थाई सेना के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही घोड़े दागने की प्रथा शुरू की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की गई। अब घोड़े दागने से मतलब क्या समझ रहे हैं मेरे दोस्त? घोड़े दागने इसका मतलब ये मत समझ लेना कि घोड़ा मर जाता है तो उसको दाग दिया जाता है, बल्कि घोड़े दागने का मतलब ये होता है कि युद्ध से पहले घोड़ों की चेकिंग की जाती थी कि कौन सा घोड़ा युद्ध के लायक है वह कौन सा घोड़ा युद्ध के लायक नहीं है। अगर युद्ध के लायक जो घोड़ा होता था और उनके ऊपर निशान लगा दिए जाते थे या नंबर डाल दिए जाते थे ताकि सेना को पता रहे कि कौन सा घोड़ा युद्ध में लेकर जाना होता है। अब ये तो थे मेरे दोस्तों, अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई परंपरा चलाई थी दोस्तों, नई प्रणाली जिसे बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पहले बहुत पेपरों में उठता था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक के द्वारा शुरू की गई, तो किस शासक के द्वारा बताओगे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बाजार नियंत्रण प्रणाली थी क्या? तो दोस्तों ये वो प्रणाली थी, इसमें इसका चलाने का जो मकसद था वो था बेईमानी को रोकना, कि कोई भी व्यक्ति सामान जितना कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकालने का आदेश दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसे ही कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली। कारण यही बताया कि बेईमानी को रोकने के लिए कोई भी व्यापारी जितना वस्तु का कम तोलता था उसके शरीर से उतना ही मांस निकालने का आदेश दिया गया था। तो किसके द्वारा बताओगे मेरे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दूसरा पॉइंट बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्या था? कि कोई भी व्यापारी अपने सामान को बाजार में ढंग से बेच नहीं पाते थे। और तीसरा पॉइंट क्या था? कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको कम दामों पर ही सामान मिल जाता था, कम दाम पर वस्तु मिलना बाजार से सेना को। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेरे दोस्तों खम्स कर को बढ़ाकर 1/4 से 3/4 कर दिया गया था। अब खम्स कर होता क्या था? तो दोस्तों खम्स कर वो होता था युद्ध में जीते हुए धन को ही क्या कहा जाता था? खम्स कर कहा जाता था। तो क्या बताओगे? खम्स कर युद्ध में जीता हुआ धन ये क्या कहलाता था? खम्स कर कहलाता था। अब खम्स कर को 1/4 से बढ़ाकर 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया,
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहने का मतलब ये था कि मेरे दोस्तों पहले चार में से एक हिस्सा किसको मिलता था, जनता को मिल, राजा को मिलता था, लेकिन अब चार में से तीन हिस्सा किसको मिलेगा मेरे दोस्तों, राजा को मिलेगा। किसके द्वारा खम्स कर बढ़ाया गया, तो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व को भी बढ़ाया गया और भू राजस्व को कर दिया गया 1/2। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेरे दोस्तों 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया, और रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही था उसको शरण दी जाती है रणथंभौर के शासक के द्वारा, और रणथंभौर का दोस्तों जो शासक होता है वो होता है हमीर देव। अब सीधी सी बात है, विद्रोही को शरण दी थी तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, तो इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन भी कौन बन गया था मेरे दोस्तों, हमीर देव बन जाता है, और यह युद्ध होता है हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ज़्यादा मात्रा में थी और हमीर देव की सेना कम पड़ जाती है, इस कारण अमीर देव की हार हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक सनकी टाइप का शासक था कि दिमाग में एक बार जो रट ली तो वो ही काम करना था। तो 1300 आक्रमण की बात करें तो 1301 में आक्रमण किया रणथंभौर पर। अब रणथंभौर का शासक की बात करें तो मेरे दोस्तों शासक था अमीर देव, और कारण क्या था युद्ध का, कारण अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही को शरण देना, और युद्ध होता है किसके बीच, अलाउद्दीन खिलजी के व हमीर देव। अब इस युद्ध में हार जाता है अमीर देव, कारण बताया कि सेना कमजोर थी और अमीर देव भी शासक कमजोर था मेरे दोस्तों, बुजुर्ग हो चुका था थोड़ा सा। अब जीत किसकी होती है, तो अलाउद्दीन की। अब जैसे ही अमीर देव की पत्नी को इस बात का पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो उसने आग में कूदकर जौहर कर लिया मेरे, तो आग में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसे क्या कहा जाता है, जौहर व्रत कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि जौहर होता क्या है, तो अपने पति के साथ आग में कूदकर जान देना या आग में साथ जलना ही क्या कहलाता है, जौहर व्रत कहलाता है। अब जौहर व्रत का सबसे पहला परिणाम भी कहां से मिलता है, तो मेरे दोस्तों कहां से बताओगे, रणथंभौर से ही सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला प्रमाण मिलता है जौहर व्रत का। जौहर व्रत आग में कूदकर आत्महत्या, आग में कूदकर आत्महत्या ही क्या कहलाता है, जौहर। पहला प्रमाण भी कहां से मिलता है जौहर का, पहला प्रमाण जौहर तो कहां से बताओगे, रणथंभौर से। अब रणथंभौर के किले को भेदने वाला
पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था मेरे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और जीत प्राप्त की थी। अब 1301 के बाद जो अगला आक्रमण करता है मेरे दोस्तों, वो करता है दो साल के बाद 1303 में, और 1303 में जो आक्रमण करता है वो चित्तौड़ पर करता है। चित्तौड़ भी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है। वो शासक दोस्तों कौन था जिसने अमीर देव को शरण दी थी, तो उसका नाम है मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह के कारण ही दोस्तों 1301 में रणथंभौर की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारा जाता है अमीर देव। और अगला जो आक्रमण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1303 में, और 1303 में जो आक्रमण होता है मेरे दोस्तों वो होता है चित्तौड़ पर। कहाँ पर बताओगे, चित्तौड़ पर। और शासक कौन था चित्तौड़ का, शासक की बात करें तो राजा रतन सिंह थे। अब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है, और चित्तौड़ का जो शासक होता है वो बुजुर्ग शासक होता है जिसका नाम राजा रतन सिंह होता है। अब कारण क्या था कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, तो दोस्तों पहले ही बताया था अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही सनकी टाइप का शासक था, दिमाग में जो ठान ली वही करता था। कोई भी व्यक्ति इसके सामने किसी भी चीज़ का जिक्र कर देता था तो वो उसको अपनाने में लग जाता था। तो ऐसे ही राजा रतन सिंह की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है मेरे दोस्तों पद्मावती, और बताते हैं कि पद्मावती अपने समय की बहुत ही सुंदर महिला थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही पद्मावती का जिक्र सुना तो उसने ठान ली कि मुझे पद्मावती को प्राप्त करना ही है। तो उसने राजा रतन सिंह को एक पत्र भेजा कि या तो मेरे साथ तुम युद्ध कर लो या अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। उस पत्र में एक बात लिखी थी कि राजा रतन सिंह खिलजी ने मेरे दोस्तों राजा रतन सिंह को पत्र लिखा कि मैं तुम्हारी पत्नी पद्मावती को देखना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर दूंगा। तो बेचारा राजा रतन सिंह बुजुर्ग वैसे हो गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ने पद्मावती को दिखा दिया जाए। तो जैसे ही पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी से पास जाती है तो राजा रतन सिंह पद्मावती के साथ स्त्रियों के वेश में अपने सैनिकों को भेज देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मेरे दोस्तों इस बात का पता लग जाता है कि स्त्रियों के वेश में सैनिक होते हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के सैनिकों को मार देता है और पद्मावती वहाँ से भागकर अपने दरबार में चली जाती है। थोड़ी बहुत ही झलक पड़ती है मेरे दोस्तों पद्मावती की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अच्छे से दिखाई नहीं दिया तो मैं दोबारा देखना चाहता हूँ तुम्हारी पत्नी को, और मैंने तो तुम्हारी पत्नी को शीशे में देखा था और मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ। अब मेरे दोस्तों कोई भी शासक कहीं कमज़ोर क्यों ना हो अपनी इज्जत को बार बार नहीं उछालेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से पत्र लिखा कि मैं तुम्हारी पत्नी को सामने से देखना चाहता हूँ, या तो तुम मेरे को दिखा दो नहीं तो तुम मेरे साथ क्या करो युद्ध। तो युद्ध होता है मेरे दोस्तों कब होता है, 1303 में, जगह कौन सी बताओगे, चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का राजा कौन था, राजा रतन सिंह। अब राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या बताओगे मेरे दोस्तों, पद्मावती, जो कि अपने समय की बहुत ही सुंदर नारी बताई जाती है। अब युद्ध होता है किस किस के बीच, राजा रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी और राजा रतन सिंह की भी सेना कमज़ोर पड़ जाती है अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और इस युद्ध में भी हार हो जाती है मेरे दोस्तों किसकी, राजा रतन सिंह की। और राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारा जाता है। जैसे ही राजा रतन सिंह की पत्नी को भी पता लगता है
कि अलाउद्दीन ने मेरे पति को मार दिया है, तो पद्मावती भी मेरे दोस्तों जोहर कर लेती है आग में कूद कर। तो हार किसकी होती है मेरे दोस्तों? हार होती है राजा रतन सिंह की। पद्मावती को इस बात का पता लगता है कि उसके पति की मौत हो गई, तो वो भी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है आग में कूद कर। अब जैसे ही मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह पर शासन करना शुरू कर दिया, तो इसका नाम बदलकर, चित्तौड़ से नाम बदलकर इसका कर देता है अपने बड़े पुत्र के नाम पर, जिसका नाम होता है खिजर खा, और इसका नाम बदलकर क्या कर देता है? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे, जिसका सामना अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, और इसकी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने में सहायता करने के लिए एक व्यक्ति आता है, जिसका नाम होता है मलिक काफूर। क्या नाम बताओगे मेरे दोस्तों? मलिक काफूर को मेरे दोस्तों हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता है, हजार दिनारी या हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे नुसरत खां और जफर खां के द्वारा मलिक काफूर को 1,000 दिनार में खरीदा जाता है, इस कारण इसका नाम क्या हो जाता है? 1,000 दिनार या 1,000 दिनार भी कह सकते हो। खरीदा गया किसके द्वारा? सेनापति नुसरत खां व जफर खां के द्वारा इनको खरीदा गया मेरे दोस्तों, जो कि वारंगल को जीतने में भी बहुत ही योगदान देता है मलिक काफूर। अब करते करते ऐसे ही शासन करते करते 1316 में मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है कोड रोग से, जो कि त्वचा का रोग है, और 1316 में इनकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए गद्दी को कौन संभालता है मेरे दोस्तों? मलिक काफूर। अलाउद्दीन पुस्तक से ही हमें इन बातों की जानकारी मिलती है मेरे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई इमारतें इस प्रकार हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया। अलाई दरवाजे को ही मेरे दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, नोट करके लिख लेना मेरे दोस्तों, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, रत्न कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही मेरे दोस्तों श्री किले का निर्माण करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हजार खंभा महल का निर्माण करवाया गया। हजार खंभा महल का निर्माण करवाया गया। अगली जो इमारत बनवाई गई थी जैमियत खाना मस्जिद भी मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाई गई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दिल्ली में औज खास का भी निर्माण करवाया गया मेरे दोस्तों।
ओज खास तो बहुत ही स्पेशल जगह है आज के समय की, और यहाँ पर स्पेशल कपल ही जा सकते हैं मेरे दोस्तों। अब इंच का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था मेरे दोस्तों। पेपर में पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया या ओज खास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश का जो अंतिम शासक आता है जिसे मुबारक खिलजी कहा जाता है। धन्यवाद।